आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो, अगर नहीं सुन पा रहे तो ऑफिस में आकर के करिए। क्या नमस्ते सर, आप एक शैक्षिक भविष्य शास्त्री एवं टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आपने भावनगर यूनिवर्सिटी में शिक्षण शास्त्र भवन के निवृत्त प्रोफेसर हैं। अपने बीर कॉलेज में गणित अध्यापन पद्धति में 7 साल एवं शिक्षण शास्त्र में 25 साल तक लेक्चरर, रीडर एवं प्रोफेसर के रूप में सेवा दी है। आपने एमएड के 90 छात्रों को शोध निबंध में मार्गदर्शन दिया है और 5 PhD के छात्रों को मार्गदर्शन दिया है। आपने 150 से ज्यादा संशोधन एवं शैक्षणिक प्रकाशित किए हैं। आप बोर्ड ऑफ स्टडी इन एजुकेशन, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग चेयरमैन के रूप में एवं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च में सभी के रूप में आपने सेवा दी है और आपने बहुत सारे गणित के अध्यापकों को तालीम दी है एवं यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के रिफ्रेशर तालीम में अपने तजुर्बे के रूप में व्याख्यान दिया है एवं संशोधन के लिए PSPSS कंप्यूटर प्रोग्राम की तालीम दी है और शैक्षणिक मापन के अद्यतन प्रवाह की सालों तक तालीम दी है। मानांक एवं संदर्भ कसौटी की रचना एवं प्रमाणीकरण के लिए NRT 99 की रचना की है एवं GAP प्रोग्राम की रचना की है। आपने निवृत्ति के बाद 2006 से GCERT द्वारा संचालित सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन के प्रोग्राम शिक्षा में ICT का उपयोग में सक्रिय रूप से आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू बेन, हमारी तरफ से दया बेन, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं यहाँ से माइक सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे बीच उपस्थित हैं जो ICT के रूप में ICT को एक नया आयाम देने के लिए, टेक्नोलॉजी को जो एक नया आयाम देने के लिए, जो हमारा एक समय बदल रहा है पेडागोजी, डिजिटल पेडागोजी, उस डिजिटल पेडागोजी की तरफ सर ने जो अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया है, अपना जो लय, जो सीढ़ी है, पीढ़ी है, वो प्रस्तुत किया है, उसकी तरफ पहुंचाने के लिए मैं ऐसे व्यक्तित्व से विनती करूंगा कि वो अपने विचार हमारे बीच प्रस्तुत करें। और हमारे बीच सारे मेहमान हैं, उन मेहमानों को भी मैं अपनी तरफ से, केएल की तरफ से उनका स्वागत कर रहा हूं, सबकी तरफ से मैं नवनीत सर का स्वागत कर रहा हूं कि वो अपने व्याख्यान और हमें कीनोट एड्रेस करें, हमारे जो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में और इस प्रोग्राम को और अच्छा बनाने के लिए अपने शब्द हमारे बीच प्रस्तुत करें। डॉक्टर नवनीत राठौड़ सर, प्लीज सर, ओवर टू यू सर। मेरी आवाज सुनाई रही है? मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस सर, यस, मेरी आवाज सुनाई रही है? यस सर, यस, यस। आपने स्क्रीन शेयर किया मेरे को? स्क्रीन शेयर किया? यस सेकंड, मैं कर रहा हूँ सर, मैं कर। आप मेरी PDF फाइल दिखाई रही है? नहीं दे रही सर, दिखाई। मैं शेयर करूं सर? मेरी PDF फाइल दिखाई रही है? जी, अब दिख रहा है आपको? हाँ जी, सब दिख रही है सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप सबका आपको सुप्रभात। ये बिल्डिंग कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग टू SWDS के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उसके पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि PDF फाइल की कॉपी संतोष भाई यादव को मैंने भेजी है। अगर किसी पार्टिसिपेंट को इस कॉपी की जरूरत हो तो
तो संतोष भाई यादव से वो प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं तो 1-4-2 बात ही करने वाला हूँ। ये जो है आपके सामने, सॉरी सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये पूरा स्लाइड मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, सबको मिल चुका है। हाँ थैंक यू वेरी मच। तो ये जो लेक्चर नोट है उसका सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। सबसे पहले उसमें स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी की बात की गई है। बाद में ये जो पार्ट वन है उसमें ICT ट्रेनिंग बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स के बारे में कुछ बताया गया है। उसमें अब टीचर का जो नया रोल है बिकमिंग डिजिटल फैसिलिटेटर 2025 उसके बारे में बात की गई है। शिक्षक को कई कौन सी कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत होती है उसके बारे में बात की है। उसके बाद पार्ट टू है, पार्ट टू में यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है और जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका हम टीचिंग में और टेस्टिंग में और स्मार्ट क्लासरूम में कैसे उपयोग कर सकते हैं। ऑनलाइन जो एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसकी यादें दी गई है और उसका हम क्लासरूम में कैसे उपयोग कर सकते हैं वो बात भी वहाँ बताई गई है। पार्ट थ्री है वो उससे अगला स्टेप है, उसमें क्रिएटिंग एजुकेशनल रिसोर्सेज है। उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी भी शिक्षक को अपना एजुकेशनल रिसोर्सेज क्रिएट करना है तो उसे कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती, उसमें वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ई बुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके कुछ नाम और लिंक वहां दी गई है। ये तो मोबाइल का जमाना है और मोबाइल के कई ऐप है जो एजुकेशन में हम यूज कर सकते हैं और ऐसे भी कई टीचर है जिन्हें वेबसाइट का उपयोग करके और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपनी वेबसाइट जैसे वो बनाई है। तो ये सब ये शिक्षक कैसे कर सकते हैं उसकी बात हम करने वाले हैं। तो आपके पास तो ये नोट पहुंच गई है इसलिए आप वो देख सकते हैं। ये सेमिनार का जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी है, SWDS है। हम जो लोग काम करते हैं वो साधारण विद्यार्थी नॉर्मल स्टूडेंट अने कैसे ICT का एजुकेशन में उपयोग कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन आप जो लोग हैं वो स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी के साथ जुड़े हैं, तो स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी के साथ अगर ये काम करना है तो उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए स्पेशल टूल चाहिए और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए और ज़्यादा कठिन काम लगता है। आप तो जानते ही हैं कि डिसेबिलिटीज में लो विजन और ब्लाइंडनेस होता है, तो वो लोग विजुअली देख नहीं सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड है। तो ये हमारा जो मल्टीमीडिया का ज़माना है
उसमें जो ऑडियो की जो फैसिलिटी है वो ऑडियो की फैसिलिटी के द्वारा हम उसको पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन रिसोर्सेज दे सकते हैं। ऐसे कई सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और जो स्पीच है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और एक लैंग्वेज में जो एजुकेशनल रिसोर्सेज होते हैं उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करते हैं, ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है और ये जो कई प्रकार के टूल है उसका उपयोग करके ऑडियो का मैक्सिमम यूज करके हम लो विजन और ब्लाइंडनेस के जो स्टूडेंट है उसको मदद कर सकते हैं। दूसरी जो डिसेबिलिटी है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो सुन नहीं सकते, ऑडियो का जो अब भाग है वो सुन नहीं सकते हैं लेकिन वो देख सकते हैं। तो हम ऐसा वीडियो बना सकते हैं कि उस वीडियो में उसका टाइटल मदर टंग में हो और वो टाइटल पढ़ के भी वो वीडियो में क्या बताया गया है वो देख सकते हैं। तो हियरिंग इम्पैक्ट के लिए भी ये मल्टीमीडिया जो एजुकेशनल रिसोर्सेस है वो बहुत उपयोगी है। तीसरी थर्ड जो डिसेबिलिटी है वो मेंटली चैलेंज स्टूडेंट है, वो मानसिक शक्तियाँ उसकी कुछ कम होती हैं। तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी में और वर्चुअल रियलिटी में और मेटा यूनिवर्स में प्रवेश कर चुके हैं। सारी दुनिया का ओरिजिनल जो सीन है, ओरिजिनल जो मॉडल है, ओरिजिनल जो सिचुएशन है उसको हम वर्क के साथ वर्क में ला सकते हैं और विद्यार्थी को पहुंचा सकते हैं। उसका फायदा क्या है कि जो विद्यार्थी जब एक्चुअल देखता है तो उसे ज़्यादा समझ में आता है, अगर उसकी समझ शक्ति भी कम है तो भी वो विद्यार्थी समझ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी के लिए ये जो मल्टीमीडिया एजुकेशनल रिसोर्सेस है वो बहुत ही काम आने वाले हैं। उसके बाद हम पार्ट वन का हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है उस पर जाएंगे। उसमें ICT ट्रेनिंग बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, ये जो शिक्षक है उसको क्या क्या क्षमताएं डेवलप करनी पड़ेगी उसके बारे में कुछ हम बताएंगे। तो उसमें लिखा है कि बिकमिंग डिजिटल फैसिलिटेटर 2025, उसका मायना ये है कि टीचर का जो रोल है वो रोल अब फैसिलिटेटर का बन गया है, वो ओनली टीचिंग का रोल नहीं है, ही इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडर। क्योंकि ये डिजिटल एज है और डिजिटल एज में उसका रोल बदल गया है। तो 2025 तक 3 साल में उसको ऐसी कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी पड़ेगी कि डिजिटल एनवायरनमेंट है वो डिजिटल एनवायरनमेंट में अच्छी तरह काम कर सके। तो हमारे पास ये सवाल आता है कि ये बिकमिंग डिजिटल फैसिलिटेटर 2025 क्यों? आवाज सर डिस्कनेक्ट हो गए।
आवाज नहीं आते हाँ बस एक मिनट सर ना डिस्कनेक्ट थे गया छे चल से चल हाँ जी 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 प्लीज प्लीज सर 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 जुड़ रहे हैं बस मिनट लगे सर नो वॉइस वॉइस जुड़ रहे हैं लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है जो प्री टेस्ट का लिंक है वो हमने इसमें भेजा हुआ है प्री टेस्ट और रजिस्ट्रेशन दोनों साथ में है तो आप लोग उसको भरिएगा मैंने अभी दिया है हाँ नवनी सर जुड़ गए जी सर आप शेयर करिए अपने यहाँ से और नवनी सर के साथ नवनी सर प्लीज मेरी आवाज सुनाई रही है आपको हाँ सर बिल्कुल आ रही है हाँ तो हम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो पहला सवाल ये है कि हमें डिजिटल फैसिलिटेटर क्यों बनना है व्हाई तो फ्रेंड्स हमें जो पढ़ाना है वो डिजिटल नेटिव्स है और हम डिजिटल एज है उसमें प्रवेश कर चुके हैं और हमारा जो इंडिया है उसको डिजिटल इंडिया बनाना है डिजिटल इंडिया बनाने के लिए डिजिटल एजुकेशन की ज़रूरत होती है और डिजिटल एजुकेशन देने के लिए डिजिटल फैसिलिटेटर बनना पड़ता है तो आज के ज़माने में अगर कोई डिजिटल फैसिलिटेटर नहीं है तो स्कूल में काम नहीं कर सकते दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें डिजिटल फैसिलिटेटर बनना है तो कौन सी कॉम्पिटेंसी हमारे में होनी चाहिए डेवलप करनी चाहिए तो उस जो स्किल है उसमें जो बेसिक स्किल है बेसिक स्किल्स का मायना ये है कि हर नागरिक को जो डिजिटल स्किल की ज़रूरत होती है वो डिजिटल स्किल टीचर्स में होनी चाहिए उसके बाद एप्लीकेशन स्किल आती है टीचर्स का एक स्पेशल रोल होता है तो स्पेशल रोल के अनुरूप उसमें जो स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए वो कौन सी स्किल है वो आगे ये पीडीएफ फाइल में बताया गया है टीचर का रोल दो प्रकार के हैं वो जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका यूज़ करते हैं और अपना स्वयं नया रिसोर्सेस जैसे एक क्रिएट भी करते हैं तो क्रिएटिंग स्किल अलग है और एप्लीकेशन स्किल अलग है तो टीचर में ये स्किल होना चाहिए वो कौन सी स्किल है वो आगे बताया गया है तीसरा पॉइंट है कि अगर हमें डिजिटल फैसिलिटेटर बनना है और अगर हमें स्किल की ज़रूरत है तो स्किल हम कैसे डेवलप कर सकते हैं हाउ वी कैन डेवलप दिस स्किल्स तो उसके पहले सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है अगर माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं है क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड सब बाबत में सब एक्शन में इफेक्ट करता है उसके लिए सबसे पहले हमें पर्सनल डिजिटल डिवाइसेस जैसे ये हमारे पास होना चाहिए अपना लैपटॉप हो अपना टैबलेट हो अपना स्मार्टफोन हो
अपना डिजिटल कनेक्शन हो, जो भी सुविधाएं टीचर्स डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हैं वो सब हमारे पास पर्सनल होनी चाहिए। उसके बिना हम 24/7 काम नहीं कर सकते। तो ये ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो स्किल होए वो स्किल भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर ऐसी स्किल हमें प्राप्त करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको दो वेबसाइट की लिंक यहाँ दी गई है। एक है ये मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, उसमें ये सब टॉपिक है, वो आप जाके इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, ICT के सब टॉपिक जो शिक्षक को उपयोगी है वो सब टॉपिक के उसमें वीडियोस जैसे वीडियोस की लिंक दी गई है। उसके बाद दूसरी स्किल दूसरी वेबसाइट भी दी गई है, वो रसेल स्टैंडर्ड ने बनाई है, वो UK के प्रोफेसर हैं और इसकी वेबसाइट का नाम टीचर्स ट्रेनिंग वीडियोस है। उसके द्वारा वहाँ भी कई सारे ICT के दिए गए हैं और उसका यूज करके हम अपना काम है वो काम कर सकते हैं। ऑनलाइन जितना भी हम स्वयं सीख सके उतना सीखना चाहिए। उसके बाद Phase 2 आता है और Phase 2 में हम ऑनलाइन ट्रेनिंग, आज जो ट्रेनिंग चल रही है ये वेबिनार, ऐसे ऑनलाइन ट्रेनिंग हम Phase 2 में ले सकते हैं। और Phase 2 में Phase 1 में सेल्फ लर्निंग है, Phase 2 है उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग है। उसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम Face-to-Face ट्रेनिंग जैसे इफ नेसेसरी कर सकते हैं। Part 2 में दिया गया है कि यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज, हम जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो उसके जो सॉफ्टवेयर है, हम आज जूम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे गूगल मीट का भी उपयोग होता है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट टीम का उपयोग भी होता है, गूगल क्लास का भी उपयोग होता है और एडमोडो का भी उपयोग होता है। ये सब वेबसाइट के उपयोग करके हम ऑनलाइन टीचिंग जैसे ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। अब अगर हमें ऑनलाइन टेस्टिंग करना है तो गूगल फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अपने सेशन में अमित भाई मजीठिया है, वो गूगल फॉर्म से कैसे कसौटी बनाई जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी वेबसाइट H5P है, वहाँ हम 40 प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आइटम्स बना सकते हैं, टेस्ट बना सकते हैं। उसमें ऐसी भी फैसिलिटी है कि अगर वीडियो है तो वीडियो में भी टेस्ट हम डाल सकते हैं और विद्यार्थी जब वीडियो देखता है तो बीच बीच में उसकी टेस्ट जैसे वीडियो के द्वारा ली जा सकती है। टेस्ट मोस्ट की एक वेबसाइट है, क्विजिस की भी वेबसाइट है, उसका उपयोग भी ऑनलाइन टेस्ट के बारे में किया जा सकता है। और ऑनलाइन और क्लासरूम में एक काहूत और प्लिकर नाम की दो वेबसाइट है, उसका उपयोग करके भी हम ऑनलाइन टेस्ट जैसे विद्यार्थी की ले सकते हैं। ऐसा कुछ ऑनलाइन पढ़ाने के लिए भी हमें स्मार्ट क्लास, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का उपयोग करना पड़ता है। तो उसमें एक ओपन बोर्ड है, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं वो बात बताई गई है। और कई कंपनी का भिन्न भिन्न प्रकार के इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड जो आते हैं उसका हम अपने काम में कैसे उपयोग कर सकते हैं वो इस लिंक पर से आप जान सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए शिक्षक को कोई भी एजुकेशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ मैंने 11 वेबसाइट की यादें दी हैं। वो 11 वेबसाइट की यादी का उपयोग करके, उसके लिंक का उपयोग करके आप ऑनलाइन टीचिंग जैसे एक कर सकते हैं। हमारे गुजरात में कई शिक्षक ने अपना वेबसाइट बनाई है, YouTube चैनल बनाई है और उसमें
अपना वीडियो और अपनी बनाई हुई टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज विद्यार्थी को उपलब्ध की गई है और गुजरात के लाखों विद्यार्थी ये वेबसाइट है ये वेबसाइट के उपयोग करते हैं। ये मुक्त ऑनलाइन शाला गुजरात के विद्यार्थियों के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है, उसमें फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 10 का मटेरियल अवेलेबल है और मेन जो सब्जेक्ट है साइंस मैथमेटिक्स इंग्लिश गुजराती एंड सोशल स्टडी उसका अध्ययन ये वेबसाइट के द्वारा विद्यार्थी कर सकते हैं। हमारे गुजरात में बाइसेक के द्वारा वंदे गुजरात टीवी चैनल चलाई जाती है, स्वयं प्रभा टीवी चैनल चलाई जाती है, उसमें 32 चैनल्स है और स्टैंडर्ड के लिए एक चैनल है। वंदे गुजरात 6 का अगर हम उपयोग करें टीवी चैनल का तो 6 स्टैंडर्ड का सब सब्जेक्ट विद्यार्थी अपने घर बैठे कर सकते हैं। हमारी जो एक संस्था है GCRT गुजरात की, उसने भी ग्रोवर नाम की एक वेबसाइट तैयार की है और उसमें भी सब प्रकार के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि दीक्षा नाम का पोर्टल हर एक राज्य में है, तो हमारे गुजरात में भी ऐसा पोर्टल है, उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। कई वेबसाइट है, लर्न वीटा है, खान एकेडमिक हिंदी में भी है, खान एकेडमिक इंग्लिश में भी है, राष्ट्रीय स्तर पे NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स भी है, बॉम्बे IIT से स्वयं नाम की वेबसाइट भी है और शिक्षक तालीम के लिए निष्ठा वेबसाइट भी है। ये वेबसाइट का उपयोग करके विद्यार्थी सीख सकते हैं और शिक्षक जैसे वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो बाब आता है वो Part 3 है कि कोई शिक्षक इससे आगे जाना चाहते और अपना एजुकेशनल रिसोर्सेज क्रिएट करना चाहते तो वो क्या कर सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट ब्लॉग बना सकते हैं, वो यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, वो गूगल साइट वो दूसरे प्रकार की वेबसाइट है वो बना सकते हैं और अपना जो भी मटेरियल है वो उसमें लिंक दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और ये शिक्षक को अगर एजुकेशनल रिसोर्सेज अपना बनाना है तो कई टीचर्स वो एनर्जाइजिंग टेक्स्ट बुक बनाते हैं, वो जो टेक्स्ट बुक की PDF होती है उसमें वीडियो की लिंक देते हैं, ऑडियो की लिंक देते हैं, एक्टिविटी की लिंक देते हैं और कई सारा मटेरियल एक्स्ट्रा टेक्स्ट स्वरूप और ऑडियो स्वरूप और टेस्ट स्वरूप और विजुअल स्वरूप देना है उस सब की लिंक देते हैं और जो टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक को एनर्जाइज टेक्स्ट बुक करते हैं। ये जो PDF फाइल है उसमें ऐसा हो सकता है, PDF फाइल नहीं है तो प्रिंटेड फॉर्म में QR कोड का उपयोग करके QR कोड की पर लिंक हम ऐसे दे सकते हैं। वो PDF फाइल को हम फ्लिप बुक के स्वरूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो विद्यार्थी का जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक को हम एनर्जाइज कर सकते हैं, अपना वीडियो भी बना सकते हैं, उसके कई सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे सिंपल वो मूवी मेकर है, अगर लैपटॉप पर कुछ चल रहा है उसका स्क्रीन कैप्शन करना है तो कैम स्टूडियो का उपयोग कर सकते हैं, ऑडियो को एडिट करने के लिए ऑडियोसिटी का उपयोग कर सकते हैं, इमेज को एडिट करने के लिए जिम और माइक MS पिक्चर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह शिक्षक टेक्स्ट बुक को एनर्जाइज कर सकते हैं, अपना वीडियो है वो बना सकते हैं। कोई भी टीचर अपनी टेस्ट बनाना चाहते हैं तो HYP वेबसाइट है, उसमें वीडियो विथ क्विज पर बनाई जा सकती है, गूगल फॉर्म और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से भी टेस्ट बना सकते हैं। गूगल फॉर्म की ट्रेनिंग तो इस वेबिनार में आपको दी जाने वाली है। कई शिक्षक अपना मोबाइल ऐप का भी यूज करते हैं,
तो मोबाइल ऐप में वीडियो एडिटिंग की भी बहुत सारी मोबाइल ऐप है, उसमें काइंड मास्टर है, पावर डायरेक्टर है, फोटोग्रिड है, मोबीजोन है, ऐसी कई वेबसाइट है, कई मोबाइल ऐप है, उसके द्वारा वीडियो एडिटिंग हो सकता है। ऑडियो एडिटिंग के लिए ऑडोसिटी की वेबसाइट है और इमेज एडिटिंग के लिए भी कई वेबसाइट उपलब्ध है। अगर आप अपनी मोबाइल ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो मीट इन्वेंटर से आपकी मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो से आप अपनी मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं, और ये नीचे दिए गई जो चार वेबसाइट है वो वेबसाइट का उपयोग करके भी आप अपनी वेबसाइट मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो इस तरह शिक्षक जो है वो शिक्षक अपना रूपांतरण डिजिटल फैसिलिटेटर में कर सकते हैं। तो शिक्षक को डिजिटल फैसिलिटेटर बनने के लिए कौन सी बातों की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने यहाँ बताया गया है। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है, वेबसाइट की लिस्ट दी गई है, मोबाइल ऐप की जो लिस्ट दी गई है, उसका आप उपयोग करेंगे और अपनी क्षमता है और क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। आप सब ने मैंने सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार। संतोष जी, मैंने मेरा पूरा किया है। हेलो जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और हमारे बीच की नोट एड्रेस किया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या जरूरी है। आप जैसे इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व अगर हमारे बीच रहे तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे जनरल एजुकेशन में आईसीटी का इतना काफी बोलबाला हुआ और इतना यूज हो रहा है, वैसे स्पेशल एजुकेशन में इतना यूज होगा। इसीलिए आपका जो ये मोटिवेशन है वो हमारे लिए बहुत काफी फायदेमंद रहेगा, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए फायदेमंद रहेगा। सर मैं आपको बताना भूल गया था, हमारे साथ में 200 लोग जो है वो जुड़े हुए हैं भारत के अलग अलग कोनों से, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं, गुजरात के ऑलमोस्ट लगभग 70% लोग गुजरात के हैं, और उसके बाद हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, राजस्थान से हैं, साउथ में से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से हैं, सभी जगहों से, भारत के सभी कोनों से सब लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और सभी स्पेशल एजुकेटर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स जो स्पेशल एजुकेशन के रिप्रेजेंट प्रोफेशनल्स हैं वो हैं, और पैरा प्रोफेशनल्स जो स्पीच थेरेपी के रूप में, साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये सर आपका व्याख्यान आईसीटी के रूप में, इन लोगों को जो आपने वेबसाइट बताई है वो सारी वेबसाइट्स, लिंक्स, वीडियो का सब कुछ जो है लोगों को बहुत फायदेमंद रहेगा। इसका जो डिटेल है मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में, जहां पे उसका सर ने लिंक भी दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो भी खुल पाएगा। तो ऐसे हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व तो उपस्थित रहे हैं। सर मैं तो सबसे पहले तो मैं एक फॉर्मली रूप में मैं मेरी तरफ से धन्यवाद कर रहा हूँ, और अधिक फॉर्मल रूप से वोट ऑफ थैंक्स आपका करने के लिए, पूरे प्रोग्राम का वोट ऑफ थैंक्स करने के लिए हमारे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं हर्षा बे नासरा, मैं उनसे विनती करूंगा कि मैम जो है वो आपका वोट ऑफ थैंक्स करें। मैम प्लीज। श्री नवनीत सर, जब से एजुकेशन में ई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की शुरुआत हुई है तब से वो इसके इस क्षेत्र के भीष्म पितामह रहे हैं। जब से वो सिर्फ ना ही भावनगर के बल्कि गुजरात के उस क्षेत्र में जब से शुरुआत हुई तब से महारथी रहे। मैं पर्सनली उसकी आभारी हूँ कि मैंने एमएड में उससे बहुत कुछ सीखा है, और श्री नवनीत सर आज इस वेबिनार के इनोग्रेशन फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में हाजिर रहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार है। इस इनोग्रेशन फंक्शन में जो भी महानुभाव उपस्थित रहे उस सबके हम बहुत आभारी है। थैंक यू सर, आप सबका आभार। थैंक यू। आज का जो इनोग्रल प्रोग्राम है, इस इनोग्रल प्रोग्राम में जो उद्घाटन प्रोग्राम था, समारोह था, इस उद्घाटन समारोह में आप सभी लोग जो अलग अलग जगहों से 200 पार्टिसिपेंट्स, हमारे विद्यार्थी, डीएड बीएड के विद्यार्थी,
हमारे शिक्षक गण और साथ में जो हमारे साथ में आप लगातार देख पा रहे हैं आईएसएल इंटरप्रेटर जुड़े हुए हैं वो, और जिनके बिना हमारा ये कार्यक्रम सफल ना हो